हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा 16 जनवरी 2021 को हुई आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में पूछे गए जीके व जीएस के प्रश्न, जो कि दोनों पालियों से थे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 17 जनवरी 2021 को हुई आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के दोनों पालियों को जीके व जीएस के प्रश्न। चलिए देखते हैं। तो हम सारे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे जो भी हमको मिले हैं। पहला क्वेश्चन हमें मिला है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है, तो यह स्थित है टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है, यहाँ पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, भारत से इन्होंने खुदाई करी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और यह खुदाई प्रारंभ हुई थी 1826 में, लेकिन इसकी पुष्टि यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज मानी जाती है वह 1921 में पूर्णतया पुष्टि मानी जाती है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत देने वाले हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ये थे एक अर्थशास्त्री जो कि हुए थे 18वीं सदी के समय में। इनकी पुस्तक है एन एम्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसमें उल्लेख किया है इन्होंने जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 72 है वह किससे संबंध रखता है? तो वह संबंध रखता है राष्ट्रपति से। इस आर्टिकल में यह जो है बताया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी को क्षमा दान दे सकता है, उसको किसी भी सजा दी गई है, कोई भी सजा दी गई है तो सजा को कम कर सकता है राष्ट्रपति, या फिर क्षमा दान दे सकता है। तो आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमा दान से संबंध रखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें देखने को मिलती है 1945 ईस्वी में हुई थी यूएनओ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम किस में मेजर करते हैं? तो इसे हम मेजर करते हैं एमीटर के द्वारा विद्युत करंट मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो वहाँ पे ऑप्शन सही था NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो कि जाता है हमारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, साउथ में कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, तो वहाँ तक जाता है NH44। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, टोटल लंबाई है NH44 की, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को, राइट आंसर था हैदराबाद। हैदराबाद जो है मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जो है इसे मोतियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस उपकरण से वोल्टेज को मेजर किया जाता है? तो वोल्टमीटर से वोल्टेज को मेजर किया जाता है, राइट आंसर वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदाड़ो की खुदाई का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई का नेतृत्व किया था राखल दास बनर्जी ने, और इसका जो पीरियड निकल के आता है 1922 ईस्वी निकल के आता है, 1922 ईस्वी, मोहनजोदाड़ो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1922 ईस्वी में जो है इसकी खुदाई होती है, यह 590 किलोमीटर दूर हड़प्पा की बड़ी खुदाई साइटों में जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दुनिया का पहला रोबोटिक नागरिक ह्यूमनाइड कौन था? तो यह जो है इसी वर्ष यानी 2019 में यह जो है लाया गया था, तो इसका नाम है सोफिया। सोफिया जो है रोबोटिक नागरिक था विश्व का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो वहाँ पे जो ऑप्शन थे उनमें से इंस्टाग्राम था, तो इंस्टाग्राम एक सोशल साइट ऐप है, यह एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन वे होते हैं जहाँ पर हम किसी साइट को सर्च कर लेते हैं, सभी प्रकार की साइट को सर्च कर लेते हैं, सभी प्रकार के वेब पेजेस को देख सकते हैं, तो वे सर्च इंजन कहलाते हैं, वहाँ पे हम विभिन्न जानकारियाँ सर्च कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है, सोशल साइट है, यहाँ पे हम जो है कुछ एक्स्ट्रा सर्च नहीं कर सकते, बल्कि अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, दूसरों की पोस्ट देख सकते हैं बस। सो वहाँ पे राइट आंसर था इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं है? तो वहाँ पे जो भी ऑप्शन थे उनमें से था बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रांबे में स्थित है, तो ट्रांबे महाराष्ट्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मधुबनी पेंटिंग निम्नलिखित से प्रसिद्ध परंपरा किस राज्य में शुरू हुई है? तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध है बिहार राज्य से, बिहार से संबंध रखती है मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाड़ी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो स्विस टेनिस के नाम से जाना जाता है रोजर फेडरर को जाना जाता है स्विस टेनिस खिलाड़ी के नाम से, राइट आंसर था रोजर फेडरर।
नेक्स्ट क्वेश्चन था टेक्नोलॉजी से संबंधित, GSLV MK3, MK3 से क्या लॉन्च किया गया था, मोस्ट मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। तो GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था हमारा चंद्रयान द्वितीय चंद्रयान जो लॉन्च हुआ वह GSLV मार्क 3 से लॉन्च हुआ था। यह भारत का जो है मोस्ट पावरफुल रॉकेट है और यह जो है 4 टन तक के अपने पेलोड को ले जा सकता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त LPG गैस सिलेंडर किस योजना के तहत वितरित किए गए थे। तो यह योजना थी उज्ज्वला योजना, लेकिन उज्ज्वला योजना जो लाई गई थी वह थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना थी जिसमें वितरित किए गए थे फ्री में गैस सिलेंडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो है भारत के 46वें थे। वहीं बात करें 47वें की तो इस समय प्रेजेंट में है SA बोबड़े। SA बोबड़े इनको कहा जाता है शरतचंद अरविंद बोबड़े। ये जो है भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो साधारणतया हम यूज करते हैं USB, CD ड्राइव, ये सारे जो हैं इनसे हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं फिजिकली। और कुछ भी ड्राइव्स हो गए या कि गूगल क्लाउड्स हो गए तो इनसे हम ट्रांसफ़र करते हैं डाटा बाय वर्चुअल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन वहाँ पे थे फिलहाल उनमें सही था USB। USB के द्वारा हम डाटा को फिजिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान 2 मिशन कब शुरू किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन हमारा कब भेजा गया अंतरिक्ष में। तो यह भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को। मोस्ट पॉपुलर, इससे दो क्वेश्चन पूछे गए, एक GSLV से, एक ये इसकी डेट पूछी गई चंद्रयान 2 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन था गिफेन गुड्स से वहाँ पे एक प्रश्न आया था जिसने जो है गिफेन गुड्स एक शानदार उत्पाद होता है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न थे गिफेन गुड्स से थोड़ा जानकारी लेके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 2011 में यूनेस्को द्वारा चुना गया था। तो 2011 में यूनेस्को साइट जो चुनी गई थी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में वह थी मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व यह है असम में। असम में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व जो कि 2011 में इसे चुना गया था यूनेस्को के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, असम में बात कर लें तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो यह थी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है पहली लोकसभा अध्यक्ष थी भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखते हैं RRB NTPC परीक्षा 17 जनवरी को द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे GK व GS से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था FAO का सही रूप क्या है पूर्ण रूप। तो FAO का पूर्ण रूप हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO का पूरा नाम था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पहली लड़ाई जो हुई थी वह कब हुई थी। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो पहली लड़ाई हुई 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें मुगल बादशाह की जीत हुई थी। इनका नाम बाबर था। बाबर ने जीता था पानीपत फर्स्ट का युद्ध 11 अप्रैल 1526 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था गैस सबसे हल्की कौन सी होती है। तो फिलहाल जो गैसेस हल्की होती हैं उनमें हाइड्रोजन है और सेकंड स्थान रखती है हमारी हीलियम। तो ये दोनों गैसें जो हैं मोस्ट मोस्ट हल्की होती हैं, सबसे हल्की गैसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था लोकपाल के लिए लोगों को लोकपाल का जो लोगो है उसे डिज़ाइन किसने किया था। तो लोकपाल का लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं प्रशांत मिश्रा। यह आते हैं प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ से आते हैं लोकपाल का लोगो डिज़ाइन करने वाले प्रशांत मिश्रा। लोकपाल का अर्थ होता है लोगों की देखभाल रखना। तो उसको ख्याल में रखते हुए ही इस लोगो को बनाया गया था। फिलहाल जो हमारे पहले लोकपाल हैं वे हुए पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष इज फर्स्ट लोकपाल इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार और अवसर की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो रोजगार में समानता व समानता के अवसर प्रदान करना यह जो है आर्टिकल नंबर 17 में देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 17 में समानता का अधिकार दिया गया है। वहीं बात करें 17 की तो 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, यानी छुआछूत से जो भी संबंधित है आर्टिकल वह आर्टिकल 17 है। नेक्स्ट बात कर लें 18 की तो 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आमाशय में बनने वाला अम्ल कौन सा है। तो आमाशय से निकल के आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
जो कि कीटाणुओं का नाश करता है हमारे भोजन में स्थित जो भी होते हैं और भोजन को छोटा करने में मदद करता है। तो आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2012-18 के बीच हुई बाघों की मौत का प्रतिशत जिससे संबंधित एक क्वेश्चन था। फिलहाल 2012 और 18 के मध्य सबसे ज़्यादा जो बाघों की मौत हुई है वह गिर नेशनल पार्क गुजरात में हुई है। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा दर्ज की गई है मौत भारत के अंदर। कैश मेमोरी कहाँ स्टोर की जाती है? तो कैश मेमोरी स्टोर की जाती है रैम में। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यह जो है एक अस्थायी मेमोरी होती है, यह इलेक्ट्रिकसिटी रहते हुए ही स्टोर करती है चीज़ों को, तो इसमें ही होती है कैश मेमोरी, इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPBES का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो IPBES का पूरा नाम पूछा गया था इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन द बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमी सिस्टम सर्विस, ये इसका पूरा नाम है। जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर जो है एक आंतरिक मंच है IPBES। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी योजना उद्यमिता के लिए कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो हमारे PMO नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई एक योजना जिसका नाम है कौशल मिशन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन योजना PMKVY योजना। इसके तहत रोजगार जो बेरोजगार हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंगों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल ऑप्शन नहीं मिले हैं इसके, लेकिन जो प्राथमिक रंग हैं वे उनकी संख्या है 3, लाल हरा और नीला, ये जो है प्राथमिक रंग हैं 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया? पहला लोकसभा चुनाव जो आता है यह प्रथम लोकसभा आम चुनाव था, यह ऑर्गेनाइज हुआ था, इसका जो है हुआ था यह 1951 और 52 के मध्य देखने को मिलता है। आज़ादी के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव के लिए सदस्यों की जो आयु होती है वह 25 वर्ष है, और वहीं राज्यसभा के लिए बात करें तो राज्यसभा में 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? तो यह असहयोग आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा, और इसे स्थगित कब किया जाता है? तो इसे स्थगित किया जाता है 1920 में शुरू होता है, 1922 में स्थगित कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हस्तिनापुर की खुदाई कब शुरू हुई थी? तो यह हुई थी 1950-1952 के मध्य में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा हस्तिनापुर में एक खुदाई करवाई गई थी। नेक्स्ट है, बाघा बॉर्डर की सीमा लगती है? तो बाघा बॉर्डर जो है यह पाकिस्तान से संबंध रखता है, यह अमृतसर से इसकी सीमा लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी बॉर्डर से जो है बाघा बॉर्डर से ले आया गया था हमारे कैप्टन अभिनंदन कुमार को, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृतसर जो है यह बाघा बॉर्डर से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अमेजोन के CEO कौन है? अमेजोन के CEO हैं जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं इस समय पे, तो जेफ बेजोस हैं अमेजोन के फाउंडर। इनकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजन जो कि स्पेस अंतरिक्ष अनुसंधान में काम करती है, उनकी ही एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोल्ड लाइन का प्रयोग किस में किया जाता है? बोल्ड लाइन का उपयोग किया जाता है MS वर्ड में, जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उनको मोटा करने के लिए बोल्ड लाइन का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनसैट फर्स्ट बी उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया? यह किया गया था 1983 में किया गया था INSAT-1B सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो भारत में कॉफ़ी उत्पादन से संबंधित प्रथम राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इसरो के, या इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त वसा को रक्त में कौन ले जाता है? अतिरिक्त वसा जो होती है रक्त में उसको कौन कैरी करता है? तो एक्स्ट्रा फैट कैरी किया जाता है हमारा प्लाज्मा के द्वारा कैरी किया जाता है एक्स्ट्रा फैट। हमारे रक्त में जो 55% मात्रा होती है वह प्लाज्मा की होती है, और 45% मात्रा होती है हमारी जो रक्त कणिकाएँ होती हैं उनकी। नेक्स्ट है, 2020 में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? 2020 में भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू ईस्टर्न स्टेट से ये संबंध रखते हैं। किरण रिजिजू हैं भारत के प्रेजेंट टाइम में खेल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिलहाल मिसाइल जो होती हैं वह हमारे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं मिसाइल्स।
मिसाइल संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक हैं शशि कुमार थारूर। शशि कुमार थारूर हैं इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं शशि कुमार थारूर। इनके द्वारा बहुत सारी बुक्स लॉन्च की जाती रहती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ब्लू ओरिजन कंपनी के संस्थापक या कि यह किस क्षेत्र से संबंध रखती है, तो ब्लू ओरिजन कंपनी है जेफ बेजोस की, जिनकी की कंपनी है अमेजोन, सो उन्हीं की कंपनी है। और ब्लू ओरिजन काम करती है एरोस्पेस के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है ब्लू ओरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में स्थित है, देश नहीं यहाँ प्रदेश होगा, तो यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यह सतपुड़ा पहाड़ियों की श्रृंखला के मध्य स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व, यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं में से एक यह है पंचमढ़ी, इसे मार्च 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त किया, इसने जो है 1999